अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल ऑल बी फाइन। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्शन इंग्लिश बुक। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 1। टुडे वी आर गोइंग बेसिकली गोइंग टू लर्न 2 बेसिक टॉपिक्स। आज 2 टॉपिक्स हम इसमें सीखेंगे, वो है एक कॉन्सेप्ट होगा नाउन का और दूसरा बट का। व्हाट इज अ नाउन? आप सबको पता है नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। उर्दू में भी आप पढ़ चुके हैं इसको, इंग्लिश में भी, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। दुनिया में आप कोई भी चीज़ देख लें, आप अपने सराउंडिंग में देखें, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उन सब का कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। नाम के बगैर कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसे ही है ना। आप देखें आपके इर्द गिर्द में बेड होगा, अलमारी होगी और भी इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। सो हियर वी आर गोइंग टू बेसिकली लर्न अबाउट अ नाउन। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हमारा है वो है बट। 2 डिफरेंट चीज़ों को बताने के लिए, बट मतलब लेकिन, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और आपने फिर इसी पैटर्न को फॉलो करना है। दिस ऑब्जेक्ट इज, हेयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, अ पेन, पेंसिल। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 ऑब्जेक्ट इज पेन, नंबर 2 ऑब्जेक्ट इज पेंसिल। अब हम इसको जब बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? लुक एट नंबर 1, नंबर 1 इज अ पेन, बट नंबर 2 इज नॉट अ पेन, इट इज अ पेंसिल। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह हम आगे कोई और ऑब्जेक्ट रखते हैं और देखते हैं पिक्चर की तरफ। लुक एट नंबर 1, नंबर 1 इज अ डस्टर, बट नंबर 2 इज नॉट अ डस्टर, ये डस्ट, लेकिन नंबर 2 डस्टर नहीं है, इट इज अ चॉक। अब देखें मैं इनके नाम भी बता रही हूँ साथ में और बट का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, डिफरेंस कि ये डस्टर है लेकिन ये डस्टर नहीं है, ये चॉक है। अब हम अपने बुक से इस पेज की प्रैक्टिस करेंगे। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी फ्लुएंसी अच्छी सी हो जाए। नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 1। व्हाट इज इट? नंबर 1 इज अ बॉल, बट नंबर 2 इज नॉट अ बॉल, इट इज अ ड्रम। मैं बट का यूज कर रही हूँ और साथ साथ ही इनके नाम भी बोलती जा रही हूँ। नंबर 2 इज अ ड्रम, बट नंबर 3 इज not a drum, it is a tree. Number 3 is a tree, but number 4 is not a tree, it is a horse. Number 4 is a horse, but number 5 is not a horse, it is a plane. Number 5 is a plane, but number 6 is not a plane, it is a purse. Number 6 is a purse, but number 7 is not a purse, he is a fireman. अब क्योंकि man आगे, person आगे, तो हम he, she उसके accordingly इस्तेमाल करेंगे। He is a fireman. Look at number 7. He is a fireman, but number 8 is not a fireman, it is a glass. Number 8 is a glass, but number 9 is not a glass, it is a hammer. Number 9 is a hammer, but number 10 is not a hammer, it is a nail. Number 10 is a nail, but number 11 is not a nail, it is a needle. Number 11 is a needle, but number 12 is not a needle, it is a pin. Number 12 is a pin, but number 13 is not a pin, it is a lorry. Number 13 is a lorry, but number 14 is not a lorry, it is a parcel.
अब देखें मैं उनके नाम भी बता रही हूँ और बट का इस्तेमाल भी कर रही हूँ. नंबर 14 इज अ पार्सल बट नंबर 15 इज नॉट अ पार्सल इट इज अ बेसिन. नंबर 15 इज अ बेसिन बट नंबर 16 इज नॉट अ बेसिन ही इज अ डॉक्टर. नंबर 16 इज अ डॉक्टर बट नंबर 17 इज नॉट अ डॉक्टर ही इज अ वर्कमैन. नंबर 17 इज अ वर्कमैन बट नंबर 18 इज नॉट अ वर्कमैन शी इज अ क्वीन. नंबर 18 इज अ क्वीन बट नंबर 19 इज नॉट अ क्वीन इट इज अ बैंडेज. नंबर 19 इज अ बैंडेज बट नंबर 20 इज नॉट अ बैंडेज इट इज अ स्कर्ट. नंबर 20 इज a skirt but number 21 is not a skirt it is a wrist. बिल्कुल इसी तरह से आपने बट की और इनके नेम्स की प्रैक्टिस करनी है फ्लुएंसी के साथ. अब ये क्या है, मैं जस्ट इनके नाम बोल रही हूँ, आप घर में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा. an ankle, an shoulder, a shoulder, a chain, a square, a flag, a board, a stamp, an envelope, a circle, a blanket, a biscuit, a biscuit, a bucket, a collar, a jug. Hope so, आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. इसकी घर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चों की तरह, बहुत प्यारे से बच्चों की तरह प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.